चीज़ में बिस्मिल्लाह। पहले तो पूरे लाहौर और जितने भी लोग हैं लाहौर के बहुत शुक्रिया। चारों मैच में क्राउड फुल था, काफ़ी मज़ा आया और अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिली। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रही है टीम, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारी चीज़ें अच्छी जा रही है। बट ऑफकोर्स हम कोशिश करेंगे कि सबको मौका मिले और जो बेंच में भी है इंशाल्लाह। बट आपको बैट्समैन की जगह बैट्समैन ही खिलाना पड़ेगा, बॉलर नहीं खिला सकते, बट इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको। जी अस्सलाम वालेकुम शाहीन, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले मुबारकबाद एक शानदार जीत पे और अनबीटन रन पे। और बॉलिंग का तो हमें पता है कि लाहौर कलंदर्स की लाजवाब है, दुनिया में शायद सबसे बेस्ट है। मगर जिस तरह बैटर्स स्टेप अप किए हैं, अब्दुल्ला और सैम बिलिंग्स मिडिल ऑर्डर में आकर कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, और पिछले मैच में सिकंदर रजा ने आउट ऑफ नोवेयर आकर मैच जिता दिया। तो इनके बारे में कुछ बात करें, और क्या आपको लगता है कि आपकी बेहतर टीम है इस साल पिछले साल से? अरे देखिए, मैं सिकंदर की बात करूंगा। सिकंदर काफ़ी अच्छा प्लेयर है और उस पर आप ऐसा नहीं कह सकते कहाँ से भी आके मैच जीता गया। और हमें पता है सिकंदर क्या कर सकता है और उस पर पूरा बिलीव है एज अ टीम। और इस टीम में वो खिलाड़ी है कि कोई भी आके मैच जिता सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। और आई थिंक जो आपने दूसरा कहा कि काफ़ी अच्छे जा रहे हैं अभी तक, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आने वाले मैचेज़ है उसमें भी हम बेस्ट करेंगे। उमर एंड बिलाल। शाहीन इधर। शाहीन, जिस तरह की प्रोग्रेस चल रही है आपकी टीम की, काफ़ी आप स्ट्रांगली, आप जैसे इसने बोला कि आप अनबीटन जा रहे हैं आप लोग, आपकी जो कैप्टेंसी की प्रोग्रेस है उसको कैसे देख रहे हैं? कितना ग्रोथ आप फील कर रहे हैं कि आपका जो रोल है उसमें कितनी ग्रोथ आ रही है? देखिए, काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ और दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा जो टीम वाले हैं वो, जैसे मैं उनको प्लान देता हूँ या एज अ टीम हम प्लान करते हैं कि क्या हम करना है और मशवरे के साथ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, सब कुछ इंजॉय कर रहा हूँ, चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ, अच्छा लगता है फील और डिसीजन लेना। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहा हूँ अभी तक और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँगा और टीम को अच्छे रिजल्ट आगे भी मिलेंगे। शाहीन, अगला मैच कराची के साथ है और लाहौर कराची की हमेशा से राइवलरी रही है। शावर के साथ लाहौर में, सॉरी, 12 तारीख को कराची के साथ आपका मैच है। तो जब भी कराची के साथ मैच होता है तो इस दफ़ा तो आप जो पहला मैच खेले कराची से उसमें शिकस्त हुई थी। तो क्या प्लानिंग है कि कराची को इस दफ़ा अपने होम ग्राउंड में शिकस्त देंगे जैसे उन्होंने अपने होम ग्राउंड में दी? जब कराची के साथ मैच आएगा तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। उस्मान। शाहीन, निकाह के बाद आपका शादाब और हारिस रऊफ सब की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हो रही हैं पीएसएल के अंदर, या ये के लिए? देखिए, इससे निकाह का कोई ताल्लुक नहीं है, हम क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि फील्ड में अपना बेस्ट दें।